देश में सियासी सरगर्मियां तो आए दिन दिलचस्प होती रहती हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव भी कांटे की टक्कर का हो गया, ये बड़ी दिलचस्प बात है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि मजबूत सत्ताधारी दल हमेशा अपना राष्ट्रपति बना लेता है। ऐसा लग भी रहा है, इस बार भी ये बहुत मुमकिन है कि बीजेपी की पसंद का राष्ट्रपति देश को मिले। बहरहाल, इसके बावजूद कड़ी टक्कर विपक्ष की तरफ से मिल रही है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति चुनाव में भी बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि महज एक महीने का समय बाकी है और अभी तक राष्ट्रपति के चेहरे बहुत स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन कई नाम हैं जो बहुत तेज़ी से आगे आए हैं। मसलन, ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने की बात कही है। इसको लेकर यशवंत सिन्हा ने बाकायदा ट्वीट भी किया है। और इसी तरह से हमने देखा है कि कई और चेहरे दौड़ में बने रहे हैं, चाहे वो वेंकैया नायडू का नाम हो या फिर आरिफ मोहम्मद खान का नाम हो। देश में आने वाले महीने में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल लगातार तेज होती जा रही है। इसके लिए 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। इसके लिए मात्र 28 दिन का समय बाकी है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि दावेदारी के लिए अभी तक दर्जनों चेहरों के नाम सामने आ चुके हैं, जबकि अभी राजनीतिक दल मंथन भी करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि भाजपा के नेतृत्व वाले NDA और कांग्रेस की अगुवाई वाले UPA में उम्मीदवार को लेकर जोर शोर से मंथन जारी है। आंकड़ों के मुताबिक चुनाव में NDA मजबूत दिख रही है, इसलिए सभी की नजरें NDA के उम्मीदवार पर टिकी हुई हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि भाजपा की तरफ से राष्ट्रपति के लिए संभावित चेहरा कौन होगा और इतनी देर क्यों लग रही है चेहरे को सामने रखने में, और यहीं पेच आता है। भाजपा किस पर दांव आजमाएगी, यह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि इस चुनाव को जीतने की खातिर बीजेपी जी तोड़ कोशिश करने में जुटी हुई है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर बड़े बड़े भाजपा के दिग्गज मंथन करने में जुटे हैं, विपक्षी दलों तक से मुलाकात कर रहे हैं। इसी के चलते भाजपा के लिए आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि आज अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक होने वाली है। दरअसल एक तरफ जहां बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई, जानकारी के मुताबिक बीजेपी की बैठक बीजेपी मुख्यालय में हो सकती है। इसके लिए बीजेपी ने एक दिन पहले ही 14 सदस्यीय प्रबंधन दल गठित किया, जिसमें मुख्य रूप से PM मोदी शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई अन्य मंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे। भाजपा के 3 महासचिव भी इसमें शामिल होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी जोर शोर से जुटे हुए हैं, संयुक्त उम्मीदवार पर मंथन कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा बैठकें बुलाई जा रही हैं और NCP प्रमुख शरद पवार ने भी ऐसी एक बैठक की अगुवाई करी है। दिल्ली में कुछ बैठकें होने वाली हैं और इसमें उन्होंने कई दलों को बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा है। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चाहे ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों या फिर बीजेपी सत्ताधारी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस, ये सारे धड़े अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सब के सब राष्ट्रपति चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। यशवंत सिन्हा के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके नाम को आगे बढ़ाया है। उनके भतीजे और तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी एक बैठक में शामिल हुए, जबकि कहीं ना कहीं चर्चा ये भी है कि संभावित विपक्षी उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव करने के लिए कुछ दलों से प्रस्ताव भी आए हैं। हालांकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज दोनों दलों की होने वाली बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। बीजेपी की ओर से कुछ नामों पर चर्चा हो रही है, जबकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी महिला चेहरे पर दांव लगा सकती है, जिसमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का नाम बना हुआ है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्यराजन का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा थावरचंद गहलोत, निर्मला सीतारमण, वेंकैया नायडू, आचार्य देवव्रत समेत कई और नामों के कयास लगाए जाते रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सियासी दांव चलने में जुटी हुई है। बीजेपी में जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें कई दलित चेहरे भी शामिल हैं। भाजपा महादलित या किसी आदिवासी को देश के राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में उतार सकती है। मुख्य रूप से दक्षिण के महादलित या आदिवासी चेहरे को यह मौका मिल सकता है, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके, झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम भी काफ़ी चर्चा में रहा है। और देखिए, विपक्षी दल अभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी का चेहरा कौन सा होगा। कई सारे ऐसे दल हैं जैसे BJD है और कई अन्य दल हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यदि उनकी पसंद के उम्मीदवार को उतारा जाता है तो ऐसे में हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ दिखाई दें। ऐसे में बीजेपी की नज़र इस बात पर भी है कि वो कैसे एक ऐसे उम्मीदवार को उतारे जहां पर उनका समर्थन तो उन्हें मिले ही, कई विपक्षी दल भी उनके साथ में आ जाएं।
आरिफ मोहम्मद खान एक बड़ा नाम है, और या फिर मुख्तार अब्बास नकवी, क्योंकि ये दोनों मुस्लिम चेहरे हैं और हाल के दिनों में बीजेपी पर कई बार आरोप लगते रहे हैं कि वो मुस्लिम चेहरों को तवज्जो नहीं दे रही है। और अगर हम विधानसभा चुनाव और दूसरे चुनाव की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती भी है, मंत्रिमंडल को देखा जाए तो भी ये देखने को मिलता है। ऐसे में हो सकता है कि अल्पसंख्यक समाज को खुश करने के लिए, ख़ासतौर पर मुस्लिम तबके को खुश करने के लिए, किसी मुस्लिम चेहरे को सामने रखा जा सकता है, या सिखों पर भी फोकस किया जा सकता है। ये जो फॉर्मूला है कांग्रेस ने आजमाया था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया था प्रधानमंत्री, वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह का नाम भी चर्चा में आ गया कि किसी सिख चेहरे पर भी दांव खेला जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विचार विमर्श किया है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनाथ सिंह ने बीते दिनों सीएम ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वहीं अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक समेत कई नेताओं से बातचीत की है। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह, शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से भी बात करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी पूरी कोशिश के साथ तैयारियों में जुटी है तो दूसरी तरफ विपक्ष में काफ़ी दिनों से लगातार मतभेद जारी हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की उलझनें बढ़ चुकी हैं। पहले एनसीपी चीफ शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। उनके नाम के विपक्ष की ओर से जोर शोर से चर्चा चल रही थी। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने पिछले दिनों ही शरद पवार का नाम प्रस्ताव में रखा था, उन्होंने मना कर दिया था। शरद पवार ने खुद बैठक बुलाई है, तो ये भी स्पष्ट हो गया कि वो भी चेहरा नहीं बन रहे हैं। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि अब विपक्षी दल एक सही चेहरे को, एक ताकतवर चेहरे को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये जितनी भी कवायद चल रही है, इसमें एक बड़ा खेल हो सकता है और ये डगर आसान नहीं है। इसीलिए बीजेपी को अपना राष्ट्रपति पद का चेहरा देने में इतना समय लग रहा है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।